किस लिए उंगलान, किसके लिए न्याय, किसके लिए महारैली? फॉरवर्ड समूह थैली साहू का जो सत्ता कब्जा करना चाहते उन लोग की रैली है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के इतिहास, वजूद, पहचान, अस्तित्व को मिटाना चाहती है, खात्मा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी खुल्लम खुल्ला आदिवासी विरोधी है। सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जहाँ भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, लूट, हेरा फेरी नहीं हो रहा है। बीजेपी सरकार कोई पार्टी हम लोग के साथ नहीं है। किसी भी कीमत पर आदिवासी एजेंडा को हम लागू करेंगे। 21 तारीख को महा उलगुलान को लेकर जो है एक रैली प्रभात तारा मैदान में होना है, उसे लेकर जो है जितने आदिवासी संगठन है उनकी क्या कुछ तैयारी है? और सीधे तौर पे कहना है कि भाजपा जो है पूरी तरीके से आदिवासियों को ठग रही है, और इंडिया भी कहीं ना कहीं, जो गठबंधन इंडिया चाहे कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी या तमाम जितने भी पार्टियां हैं लेफ्ट, वह भी कहीं ना कहीं जो है राज्य की आदिवासियों को बुर्बक बनाने का, बोका बनाने का काम कर रही है। आदिवासी समाज के खुद इस वक्त हमारे साथ नेतृत्वकर्ता मौजूद हैं, लक्ष्मी नारायण मुंडा। लक्ष्मी दा, आदिवासियों को बोका कौन बना रही है? बीजेपी बना रही है, इंडिया गठबंधन बना रहा है, सभी यूज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के इतिहास, वजूद, पहचान, अस्तित्व को मिटाना चाहती है, खात्मा करना चाहती है। मानवाधिकार कानून 2023 से इसे समझा जा सकता है। उसका घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में 2024 का चुनाव का, उसमें स्पष्ट है कि यूसीसी समान नागरिक संहिता लाएंगे। हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी खुल्लम खुल्ला आदिवासी विरोधी है, लेकिन हमारा कहना है कि इंडिया अलायंस जो है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस जैसी पार्टियां जो इंडिया अलायंस में है, एक इस तरीके महा उलगुलान हो रहा है, उलगुलान होगा, 5 लाख लोग उसी में, आप लोग जाइएगा, उसी में कह रहा है कि इंडिया अलायंस के लोग आदिवासियों को ठगना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे हम कह रहे 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय महारैली लोग आयोजित किया गया है, मैं कह रहा हूँ कि किसके लिए उलगुलान, किसके लिए न्याय? आदिवासियों के लिए। अगर आदिवासियों के लिए उलगुलान है, मेरा कहना देखिए, आज झारखंड के तमाम प्राकृतिक संसाधन, बालू, पत्थर, कोयला, तांबा, माफिया लूट में सारा, कौन है ये माफिया? राजनेता, अफसर, बिचौलिया, तमाम लोग शामिल हैं। किसके संग्रह? मेरा कर सुनिए, किसके सरकार? मैं कह रहा हूँ आदिवासी क्यों? मैं कह रहा हूँ कि झारखंड में जो इंडिया अलायंस की जो सरकार है, इसके रहते जमीन लूटी जा रही है, तमाम भ्रष्ट अधिकारी तमाम जगह भरे हुए हैं, राजस्व विभाग में CEO तमाम लोग है, राजस्व विभाग में लूट मचा हुआ है, जमीन का हेराफेरी हो रही है, कागजात का हेरफेर हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो ईडी जांच कर रही है, गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं। जो मेरा कहना है कि देखिए, रोज तब तो सही है, ईडी सही कार्रवाई कर रही है, जेल भेज रही है। तो देखिए, मेरा कहना है कि अगर जेल भेज रही है, ईडी का कार्रवाई भारत सरकार का, भाजपा सरकार का राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई में यह है कि निचली स्तर पर जो और भी मगरमच्छ हैं, जो आदिवासी समुदाय को लूट रहे हैं, आदिवासी जमीन का दस्तावेज में फर्जीवाड़ा हो रहा है, हजारों हजार आदिवासी लोग थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी घूम रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। पूरा जगह, पूरा तमाम विभाग, सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जब भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, लूट, हेरा फेरी नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि आदिवासी माँ बेटी बहन का बलात्कार हो रहा है, इसके खिलाफ तमाम जगह आवेदन लिखा गया है, मेरी ओर से दर्जन आवेदन सरकार को लिखा गया है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरा कहना है कि किस लिए उलगुलान हो रहा है, 21 तारीख को उसमें समर्थन कीजिएगा आप लोग, हमारा तो उलगुलान होगा। हमारा कहना है, हम तो किस लिए उलगुलान, किसके लिए न्याय, किसके लिए महारैली? आप लोगों के लिए नहीं, नहीं, ये सत्ता लो लोग, फॉरवर्ड समूह थैली साहू का जो सत्ता कब्जा करना चाहते उन लोग की रैली है। अगर ईमानदार रहता तो इंडिया अलायंस के लोग, उसकी झारखंड में सरकार है, जनता को
राहत दिलाती तमाम जगह जो भ्रष्टाचार आम जनता जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र जांच काम के लिए लोग परेशान है, ये हाल नहीं होता। ये ठगने का झारखंड जनता को ठगने का ही मारे लिए। तो ऐसे में आप लोग विरोध कर रहे हैं इस कार्यक्रम का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, यही मेरा सीधा सीधा हम लोग का कहना है। हम विरोध ही नहीं कर रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं किसके लिए उलगुलान न्याय महारैली। इंडिया एलायंस झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार में बैठे उसके नेताओं को जवाब देना चाहिए, मेरा सीधा सीधा कहना है। देखिए सीधा सीधा जवाब चाहिए और जवाब देना होगा, ये जवाब जो है भाजपा से और इंडिया गठबंधन दोनों से पूछा जा रहा है, दोनों से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आदिवासियों का शोषण, धरल्ले से जमीन जो लूट हो रही है, इसकी जांच क्यों जो हो रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन आखिर इस पर लगाम कब तक लगेगी, यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता जा रहा है। आदिवासी जो संगठन है वह आने वाले दिनों में एक बड़ा जो है आप कह सकते हैं उलगुलान रैली जरूर हो रही है, लेकिन इस उलगुलान से फायदे कितने होंगे आदिवासियों को, हक अधिकार का कितना बात होगा, यह कहीं ना कहीं एक सवाल हमेशा के लिए बना रह रहा है। हमारे साथ प्रेम साई मुंडा भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहना है, जो लूट हो रही है, चाहे वो बालू की लूट, अवैध खनन, कोयले, लकड़ी या जो चीज़ की आप बात कर लें, जमीन की आपने देखा कि कैसे किस तरीके से कितने लोग अब तक जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं जमीन घोटाला में, और तमाम सभी जगह की अगर बात कर लें आप तो भ्रष्टाचार चरम सीमा लांघ चुकी है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले के प्रेम साई मुंडा का, यह भी देखिए। देखिए हम विरोध हम लोग किसी को नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी पार्टियां आदिवासी मुद्दे पर प्रखर नहीं होती है तो हम लोग उसका विद्रोह करते हैं, बात करते हैं। जैसे भाजपा ने यूसीसी लाया तो हम लोगों ने विरोध किया और हम चाहते हैं कि यूसीसी नहीं लाया जाए, और दूसरी बात है कि आप वनाधिकार कानून भी भाजपा ने लाया था तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो मेरे कहने का झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आज रैली हो रही है इंडिया गठबंधन के द्वारा, उलगुलान रैली। भैया उलगुलान किसके लिए, आदिवासियों का उलगुलान हुआ है क्या, आदिवासी का परिवर्तन हुआ है कि नहीं, अभी भी आदिवासियों की जमीन के एजेंडा पर कोई पार्टियां नहीं ला रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ है, भाजपा जो है आदिवासी हितैषी नहीं है, आदिवासी मुख्यमंत्री उसको नहीं पच रहे थे इसीलिए उनको जेल में डाल दिया, आदिवासियों का शोषण हो रहा है, जमीन जो लूटा जा रहा है, ये सब बीजेपी के लोग इसमें मिले जुले इसके खिलाफ उलगुलान कर रहे हैं वो। देखिए क्या समर्थन आप लोग नहीं, नहीं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, बात है कि हमारे हितों में कौन काम कर रही है। जैसे कि अब मुख्यमंत्री चले गए तो उसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन जी, तो चंपई सोरेन को भी एजेंडा लाना चाहिए, विशेष टास्क फोर्स बनाना चाहिए। तो कहने का मतलब है उलगुलान रैली करके जब तक हमारी एजेंडा को नहीं रखेंगे, आदिवासी उन्होंने कहा था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कि हम पेशा कानून ला रहे हैं और पेशा कानून के दिए गए 29 अधिकार को भी हम लागू करेंगे, जैसे बालू का ठेका आदिवासियों का मिलेगा, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत में डेवलप करने का जो है ठेका ग्राम पंचायत को मिलेगा, हाँ हाँ वहाँ पर जमीन का जो रखवाले के लिए जिम्मेवारी मिलेगी, ऐसे अन्य बहुत सारे कानून, समता में प्राइवेट जॉब में सभी समता जजमेंट लागू करने की बात कही गई थी, नियम नहीं हो पाया, एकदम नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब बीजेपी की सरकार में होता था, बीजेपी सरकार कोई पार्टी हम लोग के साथ नहीं है, नियम मतलब बात करूंगा क्या करेगा बात, ऐसा करने पर हमें लगता है कि हमें नया उलगुलान हमें करने की जरूरत है, आंदोलन करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं इंडिया गठबंधन को, आदिवासी एजेंडा को लाएं और एक संकल्प लें कि हम किसी भी कीमत पर आदिवासी एजेंडा को हम लागू करेंगे, ये हम देखना चाहते हैं, इसका हमारा सवाल है। उलगुलान किस चीज़ के लिए, किन किन चीज़ों के लिए उलगुलान, ये उलगुलान है किसको उलगुलान हो रहा है, आप लोग बोलते हैं उलगुलान करेंगे, वर्षों से चली आ रही है कि उलगुलान होगा, लेकिन उलगुलान किस चीज़ों के लिए उलगुलान, उलगुलान होना चाहिए झारखंड के आवाम के लिए नौकरी, झारखंड के आवाम के लिए जल जंगल जमीन का अधिकार, आदिवासियों की जमीन लूटी नहीं जाए और समता जजमेंट लागू हो और पेशा कानून के दिए गए अधिकार को नियमावली बना करके जमीन पर उतारा जाए। आपका मतलब कहने का है कि उलगुलान मुद्दों के लिए, राजनीति के लिए नहीं, सरकार बिल्कुल राजनीति के लिए नहीं, आदिवासियों को ठगने के लिए नहीं, हम आदिवासियों को जो है अधिकार पाने के लिए होना चाहिए उलगुलान, तभी हम बोलेंगे झारखंड झुकेगा नहीं। देखिए ये न्याय उलगुलान जो बात कही जाती है, झारखंड झुकेगा इसलिए नहीं, अगर उलगुलान होनी है तो मुद्दों के लिए उलगुलान करे, ना कि सत्ता पाने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, इन सब चीजों के लिए उलगुलान शब्द का कहीं ना कहीं जो दुरुपयोग किया जा रहा है, यह आदिवासी संगठनों का कहना है कि जो न्याय उलगुलान जो बात कही जा रही है, उलगुलान का शब्द का दुरुपयोग ना करें, उलगुलान मुद्दों के लिए होनी चाहिए, आदिवासी जनहितों के लिए होनी चाहिए, इन चीजों के लिए जो है आदिवासी संगठन अब आने वाले दिनों में एक नए उलगुलान की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमारे साथ कैमरा सहयोगी अमन के
रांची से जेके न्यूज नेटवर्क के लिए कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।